आरपीटीवी आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बड़वानी पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंदोलकर भूटिया ने शांति समिति की ठिकरी थाने में बैठक ली। थाने का निरीक्षण कर जनता से किया संवाद। शुक्रवार को थाना ठिकरी में बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री यांगचिंग भूटिया ने शांति समिति की बैठक ली एवं नगर के गणमान्य नागरिकों से संवाद किया एवं उनकी समस्याएं सुनी व सुझाव लिए। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र की जानकारी दी एवं यहाँ के पारंपरिक त्यौहार व रीति परंपराओं के बारे में बताया। इस दौरान एसडीओपी प्रियंका डोडवे एवं थाना प्रभारी विनय आर्य सहित समस्त स्टाफ मौजूद था। इस दौरान ग्रामीणों से चर्चा के समय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्षेत्र में हो रही डिजिटल चोरी या साइबर क्राइम के विषय में पुलिस को चौकन्ना रहना है एवं ग्रामीणों से भी पुलिस के सहयोग की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने बताया कि इस विषय में जल्द ही थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले मुख्य ग्रामों में जाकर कैंप लगाया जाएगा एवं ग्रामीणों को बताया जाएगा कि किस तरह से साइबर क्राइम होते हैं एवं इससे किस तरह से बचा जाए। पुल सह अधीक्षक महोदय ने थाना निरीक्षण के दौरान स्टाफ के क्वार्टर एवं थाने की साफ सफाई का जायजा लिया। साथ ही थाने में बन रहे महिला डेस्क के निर्माण संबंधित जानकारी जुटाई एवं थाना प्रभारी विनय आर्य को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने ग्रामीणों को अपने शासकीय मोबाइल नंबर दिए एवं किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी होने पर सीधे संपर्क करने की बात कही। आने वाले लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु सभी ग्रामीणों से चर्चा की एवं किसी भी स्थिति में आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इस बात की जानकारी दी। आने वाले त्योहारों पर भी शांति एवं सौहार्द कायम रहे इस बारे में ग्रामीणों को बताया। शांति समिति की बैठक में नगर के गणमान्य नागरिक एवं आसपास के ग्राम घटदवाना उमरदान भगवानपुरा जरवा एवं सेपाल के ग्रामीण क्या प्राथमिकता है मैम यहाँ पे। प्राथमिकता हमारी यही रहती है कि हम लोगों से संवाद बनाए रखें और लोगों से जुड़े जो प्रॉब्लम है उसको समझें और उस पर एक्शन करें। और एक दो समस्याएं आ रही है जो पब्लिक ने हमको बताई है, तो उसमें हमने ऑलरेडी अपने SDPO और TI को निर्देश दिए हुए हैं, तो दैट एक्शन विल बी टेकन। एंड इसके चलते चुनाव के भी संबंध में जो जो दिशा निर्देश है उन सबको लोगों से बातचीत की, उनको अवगत कराया। एंड सबसे पहले प्राथमिकता हमारी लोकसभा चुनाव है। हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से और बहुत यू नो शांतिपूर्वक हो जाए और आगामी बहुत सारे पर्व भी हैं तो उसको भी चलते हुए लोगों से संवाद बनाए किए। एंड कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रॉब्लम इश्यूज है उसको हम सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे विद इन यू नो वेरी शॉर्ट टाइम। मैम इस बार आदर्श आचार संहिता में कुछ और भी नए नियम आए हैं क्या या जो पूर्व में थे वही? आदर्श आचार संहिता में हमेशा जो MCC की जो गाइडलाइंस है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड और जो पुराने थे वही। ठीक, थैंक यू।